राहुल गांधी को मारने की साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी के खिलाफ एक बड़ी तैयारी हो रही है। क्या राहुल गांधी ने संसद में चक्रव्यूह वाला भाषण देकर अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर ली है? और क्या वाकई अब राहुल गांधी को खतरा है? और क्या राहुल गांधी को भारत में नहीं विदेशी धरती पर मारने की साजिश रची जा रही है? राहुल गांधी के संसद में महाभारत में चक्रव्यूह को लेकर दिए बयान के बाद अब उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में उन्होंने दावा किया कि ईडी के अंदरूनी सूत्रों ने उन्हें जानकारी दी है कि जल्द उन पर छापा मारा जा सकता है। इस मामले के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पर हमला करवाने की तैयारी भी चल रही है। खबर है कि विदेशी धरती पर उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 2-in-1 को चक्रव्यूह के संदर्भ में मेरा भाषण पसंद नहीं आया। ईडी के एक सूत्र ने मुझे बताया कि अब आप पर छापा पड़ने वाला है। इस संबंध में योजना तैयारी की जा रही है। मैं तैयार हूँ, ईडी का इंतजार कर रहा हूँ, चाय और बिस्कुट मेरी तरफ से। बता दें, राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था, जैसे महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया, वैसे देश की जनता को फंसाया जा रहा है। लेकिन ये बात बहुत चौंकाने वाली है कि इस भाषण के बाद राहुल गांधी की जान को खतरा हो गया है और राहुल गांधी को जान से मारने की तैयारी चल रही है। अब ऐसे में देखना होगा कि विपक्ष जिस तरीके की बयानबाजी दे रहे हैं, क्या इसका बड़ा फर्क राजनीति पर पड़ेगा।